आसमान पर उड़ते परिंदों को देखकर हम सभी को लगता है कि काश परिंदों की तरह हम इंसानों के पास भी पर होते तो हम भी खुले आसमान की सैर कर पाते। और आखिर ऐसा लगे भी क्यों ना, इन उड़ने वाले परिंदों की तरह जिंदगी जीना कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि इन उड़ने वाले परिंदों की जिंदगी होती ही इतनी आसान है। अरे भाई, करना ही क्या है, बस दिन भर आसमान में उड़ो और ना ही कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के लिए मास्क लगाने की झंझट, ना ही हैंड सैनिटाइजर यूज करने की झंझट। लेकिन क्या ये सचमुच में ऐसा ही है? तो आपको बताते चले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इन बर्ड्स की जिंदगी जितनी आसान हमें लगती है उतनी होती नहीं। खाने से लेकर अपने पार्टनर चुनने तक हर चीज के लिए इनको लड़ना पड़ता है, और इस लड़ाई में जब ये परिंदे जख्मी हो जाते हैं तो कभी कभार इनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन बर्ड्स के दरमियान होने वाली कुछ ऐसी ही फाइट्स दिखाने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, टर्की वर्सेस पीकॉक फाइट। लड़ाई का असल मजा तो तब है जब मुकाबला बराबर का हो। तो इस तरह से टर्की और पीकॉक का आमना सामना मुकाबले की टक्कर है। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ऐसा लगा कि मुकाबला बराबरी का होने वाला है, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि मोर दूसरे जानवर पर किस तरह से अटैक कर रहा है। हालांकि टर्की की ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मजाल के मोर टर्की को अपने नजदीक भी भटकने दे। एक दो बार तो ऐसा लगा कि आज तो ये टर्की कहीं जान से ही हाथ ना धो बैठे, लेकिन देखते ही देखते यही जानवर मोर पर हावी होने लगता है और इसी तरह से लड़ाई का पैंतरा बदल गया। इन दोनों की लड़ाई में दूर खड़े हुए दूसरे जानवर दूर ही से इनकी लड़ाई का मजा लेते रहे। शायद वो जानते थे कि अगर इनकी लड़ाई में हमने भाग लिया तो हमारा नुकसान हो सकता है। नंबर 9, बर्ड्स फाइट टू डेथ। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीगल और क्रो एक अधमरे हुए परिंदे की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। जख्मी परिंदा खुद तो इस हालत में नहीं था कि वो अपनी जान बचा पाता, लेकिन क्रो और सीगल के बीच में खाने के लिए लड़ाई अभी भी जारी थी। तो जिस तरह से सीगल अपने शिकार को किसी भी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो वही क्रो भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मतलब साफ है कि वो शिकार छीन कर ही दम लेगा। तो जैसे ही ये दोनों आपस में खाने के लिए लड़ रहे थे, उसी दौरान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ही ना थी। तो हुआ कुछ यूं कि राह चलते राहगीर की नजर जैसे ही इन दोनों परिंदों के ऊपर पड़ी, इन दोनों को उड़ाकर जख्मी परिंदे को पकड़ा और उसको बचाने के लिए अपने साथ ले गया, और इस तरह से उस जख्मी परिंदे की जान बच गई। लेकिन कव्वे को अभी भी ये उम्मीद थी कि उसको शायद दोबारा से मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो परिंदा जिंदा रहा या नहीं इसके बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर मालूम है कि अब जख्मी परिंदा सेफ हाथों में है। नंबर 8, सीगल कैच अ पिजन। तो सीगल खूबसूरत दिखने के साथ साथ गजब की शिकारी भी होती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जिस वक्त बहुत सारे कबूतर एक झुंड में बैठे हुए होते हैं, फिर पता नहीं कहां से अचानक एक सीगल इनके झुंड में आ जाती है और इनमें से ही एक कबूतर पर हमला कर देती है। यही नहीं, ये एक ही झटके में उस कबूतर को अपनी चोंच में दबा लेती है। बेचारे कबूतर को तड़पते हुए दूसरे परिंदे देखते रहे और आखिर में सीगल इस कबूतर को अपने साथ ले उड़ती है। नंबर 7, डक फाइटिंग विद क्रो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक एक कौवे ने डक के बच्चों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी उन बच्चों की माँ ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसके सामने आती है। लेकिन उसके साथ ही एक और कौवा भी वहाँ पर आ गया, लेकिन फिर भी मम्मी डक को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा कौवा बिल्कुल सुस्त था। इन दोनों की लड़ाई में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी लड़ाई में आज एक बच्चा तो जरूर ही मारा जाएगा, लेकिन मम्मी डक अपने आप को और अपने बच्चों को किसी तरह से झाड़ियों के अंदर ले गई, और जैसे ही कौवे ने उन झाड़ियों के अंदर घुसने की कोशिश की तो मम्मी डक ने उस कौवे के ऊपर जोरदार हमला कर दिया। हालांकि उसके हमले से किसी तरह से कौवा बच के निकल जाता है
और इस तरह से मम्मी डक अपने बच्चों को कौवे से बचाने में कामयाब हो गई। नंबर 6, हॉक टेरिफाइड बाय क्रोज। ये तो सभी जानते हैं कि हॉक्स कितने खतरनाक शिकारी होते हैं, इसी वजह से इनसे छोटे से लेकर बड़े परिंदे भी खौफ खाते हैं। तो ऐसे में कोई भी परिंदा चाहे जितना बड़ा पहलवान क्यों ना हो, इन शिकारियों से दूर ही रहना पसंद करता है। लेकिन एक्सेप्शन की इस दुनिया में कई बार मामला उल्टा हो जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हॉक बहुत सारे कौवों के दरमियान बड़े आराम से बैठा हुआ है और आसपास के माहौल को भांपने के बाद वहां पर शिकार करने का मन बना ही रहा होता है कि तभी उन क्रोस को इस खतरनाक किस्म के शिकारी की नियत पर शक होता है। तो ठीक हॉक इर्द गिर्द मौजूद किसी भी कौवे पर हमला करने ही वाला होता है, बिल्कुल उसी वक्त उस शिकारी के ऊपर ही कौवों ने हमला कर दिया और उसको उड़ाकर भगा देते हैं। इस तरह से आज हॉक को भी समझ आ गया होगा कि हर जगह पर हमला करने से अपनी जान पर भी बन सकती है। नंबर 5, फाइट बिटवीन टू पिजन्स। तो आपने इस वीडियो में अभी तक अलग अलग किस्म के जानवरों को आपस में लड़ते हुए देखा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो पिजन्स आपस में लड़ते जा रहे हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक दूसरे की जान लेकर ही दम लेंगे, वजह कोई भी हो, लेकिन इस तरह के मामले कम ही देखने को मिलते हैं जहाँ कोई भी परिंदा अपने ही परिवार के दूसरे परिंदे से जा लड़े। तो क्या आपने कभी इस किस्म के जानवरों की लड़ाई देखी है जो कि एक ही फैमिली से बिलोंग रखते हों और आपस में लड़ रहे हों? नंबर 4, हॉक ट्राइज टू किल अ कुकू बर्ड। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हॉक्स दुनिया के किसी भी किस्म के परिंदे से लड़ने में नहीं घबराते, तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब अचानक ही इस खतरनाक किस्म के परिंदे ने कुकू बर्ड को पकड़ लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेचारा छोटा परिंदा खुद को बचाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि इस परिंदे की लगभग सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। कुकू जी जान से अपने आप को छुड़ाने में लगा हुआ था, लेकिन क्या मजाल थी कि ये खतरनाक किस्म का पक्षी कुकू बर्ड को अपने पंजों से आजाद कर देता। लगातार कोशिश करने के बाद भी कुकू बर्ड अपने आप को इस परिंदे से छुड़ाने की कामयाबी हासिल ना कर सका और इसके दौरान ही उसने अपने बहुत सारे पंखों को भी खो दिया। नंबर 3, ईगल अटैक्ड ओल। ईगल कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। तो मॉर्निंग में अपने डॉग को साथ में मॉर्निंग वॉक पर लेके जाने वाले इस बंदे ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। तो दरअसल उस शख्स ने देखा कि एक ईगल ने एक ओल को अपने शिकंजे में लिया हुआ है। ऐसे में ओल ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा चीखना चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईगल अपने शिकार को किसी भी तरह से हाथ से जाने नहीं दे सकता। खैर, अच्छी बात ये थी कि इस लड़ाई में ओल को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगी। वीडियो के आखिर में देखा जा सकता है कि ओल पूरी तरह सेफ है। नंबर 2, रूस्टर फाइट विद पीकॉक। रूस्टर दिखने में भले ही छोटे लगते हों, लेकिन इनको हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये जानवर मोर जैसे बड़े परिंदों को भी मजा चिखा सकते हैं। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए कि किस तरह एक रूस्टर गुस्सा आने पर मोर पर हावी हो जाता है। हालांकि मोर ने कई बार इस छोटे जानवर पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी कोशिश हारी गई। तो इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा लगा कि रूस्टर मोर को कच्चा ही चबा जाएगा। नंबर 1, पीपल यूजिंग हॉक टू कैच बर्ड्स। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग अपने घर पे पाले गए हॉक्स को दूसरे परिंदों के शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि एक लड़का अपने घर पे पाले हुए हॉक को जैसे ही एक परिंदे के ऊपर छोड़ता है, तो कुछ ही देर बाद उस हॉक ने आसमान में उड़ते हुए उस परिंदे को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली और फिर कुछ ही देर में उस परिंदे ने हॉक के पंजों में अपना दम तोड़ दिया। छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी दूसरे परिंदों को पकड़ने के लिए हॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।